उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक कैदी और दो सिपाही हुए लापता। जी हां, कैदी को पेशी के लिए ले जा रहे सिपाही भी वापस नहीं लौटे। इस मामले के बाद दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक ए सतीश गणेश ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी कि फतेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक बीते 20 अक्टूबर को शिव कुमार और जैकी कुमार नाम के सिपाही संजीव नामक बंदी को एक मामले में गैंगस्टर अदालत में पेशी के लिए अमरोहा लेकर गए थे। साथ ही उन्होंने ये बताया कि सिपाहियों ने बंदी को अदालत में पेश भी किया, लेकिन उसके बाद पुलिसकर्मी ना तो संजीव को फतेहगढ़ जेल में वापस लाए और ना ही वो खुद ड्यूटी पर लौटे। गणेश ने बताया कि दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। बताते चलें कि फिलहाल दोनों सिपाही फरार हैं और दोनों के ही फोन बंद आ रहे हैं। एक्स9 न्यूज़ के लिए दीक्षा की रिपोर्ट।